फ्रेंड्स, यदि आप भी एजुकेशनल वीडियो कैसे बनाएं सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप गूगल से कॉपी पेस्ट करके बिना फेस दिखाए इस तरह की वीडियो कैसे बना सकते हैं, 2 से 3 महीने में अपने चैनल को मोनेटाइज करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे ही चैनल का व्यू दिखाऊंगी जहां पर आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि इनके चैनल पे कितने सारे व्यू आ रहे हैं, बस सिर्फ गूगल से कॉपी पेस्ट करके इन्होंने भी वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, तो मैं आपको कुछ चैनल का नाम बताती हूँ। तो सबसे पहला चैनल है BRGK स्टडी। इनके चैनल पर देखिए एक दिन में 10,000 व्यू है, ऐसे हजारों में इनके चैनल पर व्यू हैं। आप खुद जाकर के इनके चैनल पर जाके देख लें। अभी मैं आपको इनके पॉपुलर वीडियो दिखाऊंगी जिससे आपकी आंखें फटी की फटी रह जाने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, इनके चैनल पर पॉपुलर वाले पे 22 मिलियन व्यू है, 9 मिलियन व्यू है, 5 मिलियन व्यू है, सारे मिलियंस में इनके व्यू हैं। अब मैं आपको दूसरा चैनल दिखाती हूँ। इनके चैनल का नाम है जनरल नॉलेज GK क्वेश्चन एंड आंसर। अब इनके चैनल पे आप देख लीजिए, इनके वीडियो पे 10 घंटे में 700 व्यू है, एक दिन में 1,000 व्यू है। अभी इनका चैनल न्यू है और इनके पॉपुलर पे देख लीजिए 19 मिलियन व्यू है, 13 मिलियन व्यू है, 5 मिलियन व्यू है, ऐसे इनके भी चैनल पर मिलियंस ऑफ व्यू है। अब ये चैनल अभी नया है, 13,000 सब्सक्राइबर सिर्फ हैं। 13,000 सब्सक्राइबर आपके लिए एक साल के अंदर आप कर सकते हैं। इनके चैनल का नाम है GK दृष्टि। अब इनके चैनल का कुछ व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ, आप खुद इनके चैनल पे जा कर के देख लें कितने व्यू आ रहे हैं। अभी इन्होंने 3 घंटे पहले ही वीडियो डाले हैं, 300 व्यू आ गए हैं। कल डाला है, 2,000 व्यू हैं, 2,000 व्यू पे हैं। अब मैं आपको इनके पॉपुलर वीडियो दिखाती हूँ। देखिए इनके भी पॉपुलर वीडियो पे 2 मिलियन व्यू है, 3 मिलियन व्यू है, 50,000 व्यू है, इनके में भी 50,000 मिलियन व्यू हैं। सब लोगों ने फ्रेंड्स सिर्फ गूगल से कॉपी पेस्ट किया है और अपने वीडियो बना करके महीने का 1,00,000 रुपया कमा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इस तरह के वीडियो कैसे बनाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं प्रतिभा सिंह। गाइस फ्रेंड्स, अब काइन मास्टर पे आने के बाद प्लस साइन पे क्लिक करेंगे। अब 16:9 वाले रेशियो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें बैकग्राउंड लेना है, तो बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और व्हाइट कलर का बैकग्राउंड मैं ले लेती हूँ। और बैकग्राउंड लेने के बाद इसको मैं खींच करके बड़ा करूँगी, 1-2 मिनट का बड़ी हो जाएगी फ्रेंड्स। तो हम इसको करेंगे डुप्लीकेट, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ से हम करेंगे डुप्लीकेट, जितनी बार चाहिए हम डुप्लीकेट करते जाएंगे। तो हमने 3-4 बार कर लिया है क्योंकि मुझे छोटी वीडियो बनानी है। अब यहाँ पर लेयर पर जाएंगे, इसके फिर से मैं एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करूँगी। अब इस बार मुझे येलो कलर का चाहिए क्योंकि मुझे ऊपर सेट करना है। अब इसको बड़ा करके इसको कर देंगे क्रॉप। क्रॉप करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐसे सेट करने के बाद इस बटन को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद अब इसको हम पूरा खींचेंगे। खींचने के बाद अपने ऊपर के साइड पर पूरा स्क्रीन फिट कर देंगे। अब इसको भी हम, आप चाहें तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं। देखिए ये रेड है, मुझे रेड पसंद नहीं है तो मैं रेड नहीं करूँगी, फिर से मैं येलो कर दी। अब इसको भी खींच करके हम जहाँ तक अपने वीडियो का लेंथ है वहाँ लास्ट तक ले जाएंगे। तो अब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मुझे इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनानी है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको स्ट्रेच किया, इसके बराबर कर दिया। अब चलेंगे हम अपने दूसरे काम पर, चलेंगे गूगल क्रोम पे, वहाँ पर सर्च करेंगे GK क्वेश्चन एंड आंसर। जैसे ही मैंने सर्च किया यहाँ बहुत सारी वेबसाइट आ गई है। फ्रेंड्स पहली और दूसरी वेबसाइट को नहीं लेंगे क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर प्रॉपर ढंग से नहीं मिलने वाला है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कहाँ से लेंगे। थोड़ा नीचे आएंगे, जब नीचे आएंगे तो यहाँ बहुत सारी वेबसाइट है, आप कोई भी वेबसाइट से GK के क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने आ गई, देखिए यहाँ पर कितना प्रॉपर ढंग से लिखा गया है, क्वेश्चन लिखा है, उसके आंसर भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हैं। तो मैं सबसे पहले टाइटल को कॉपी कर लूँगी, यहाँ जो लिखा हुआ है इसको टच करके 2 सेकेंड के लिए और पूरे को खींच करके कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पर आएंगे, लेयर पर जाएंगे, लेयर पे जाने के बाद टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम
इतना बड़ा मुझे नहीं रखना है, तुम्हारा खाली जीके क्वेश्चन आंसर रखूँगी, बाकी सब डिलीट कर दूँगी। आपको रखना हो तो आप रख लें, आप जीके के दो तीन वीडियो देख लें कि उन लोग किस तरह से क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ कर लिया, यहाँ लिख देती हूँ 30 जीके क्वेश्चन आंसर। मुझे 10 लिख देती हूँ क्योंकि मुझे तो बस आपको बताना है, तो मैं 10 भी नहीं बनाऊँगी। ओके ओके कर दिया। अब यहाँ पर हम इसको कलर कर देंगे चेंज, यहाँ पर ब्लैक कलर करेंगे, सॉरी रेड कलर करेंगे। रेड कलर करने के बाद यहाँ इसको खींचेंगे, खींचने के बाद इसको बोल्ड करेंगे। तो यहाँ जो डबल एट दिखाई दे रहा है, इस पर जा कर के यहाँ से बोल्ड वाला सेलेक्ट करेंगे और इसको ऊपर ले जाके यहाँ पर ऐसे फिट कर देंगे। अब इसको भी हमको स्क्रीन फिट करना है और इस बाकी सब काट देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको स्क्रीन फिट कर दिया। अब देखिए हमारा ऊपर का टाइटल बन गया। अब फिर से हम चलेंगे अपने गूगल क्रोम पे, वहाँ से आंसर को कॉपी कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर को कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर आ गया है, यहाँ टच करेंगे और ब्लू को पूरा खींच करके कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से काइंड मास्टर पे आऊँगी, आने के बाद मैं लेयर पर जाएंगे, लेयर पे से टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से जो क्वेश्चन है रहने देंगे, आंसर को हम कट कर लेंगे, वो हम अगली बार टेक्स्ट में पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर पेस्ट हो गया, इसका कलर चेंज कर देंगे, यहाँ से ब्लैक कलर दे देंगे। प्ले करने के बाद इसको हम कर देंगे फ्रेंड्स बोल्ड। बोल्ड करने के लिए डबल ए पे जाएंगे और यहाँ से बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद थोड़ा सा खींचेंगे और वहाँ से एडजस्ट करेंगे हमको कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। ओके, तो मैं यहाँ रख देती हूँ। रखने के बाद अब इसको फिर से मैं यहाँ से एडजस्ट हो गया, अब बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। तो अब इसका भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, जहाँ तक हमको क्वेश्चन आंसर बोलने के बाद दिखना चाहिए वहाँ तक हम स्ट्रेच कर देते हैं। फ्रेंड्स अब हम इसको डालेंगे एनिमेशन। एनिमेशन करने के लिए हम बिप डाउन पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे बिप डाउन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे हमारा बिप डाउन ऑप्शन है और इसको 2 पे कर देंगे। तो हमारा जो हेडलाइन है, टाइटल है, वो एनिमेशन हो गया है। अभी हमको क्वेश्चन पर भी एनिमेशन करना है, फिर इन एनिमेशन पे जा कर के नीचे जाएंगे और बिप एनिमेशन पर टिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर आ गया, अब इसको भी कर देंगे 2 पर। अब यहाँ पर होने के बाद फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन वाले को कर लेंगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने से क्या होगा कि हमारा टाइम बचेगा और हमको बार बार एनिमेशन नहीं करना होगा। तो यहाँ पर हो गया, अब इस पर हम अपना पेस्ट कर देते हैं आंसर। इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल पे करके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर देखिए हमारा आंसर आ गया। तो हमारा क्वेश्चन भी ब्लैक है, तो हम इसको चेंज करेंगे कलर। तो कलर पर जाएंगे, कलर पे जाने के बाद हम इसके यहाँ सेट करने के बाद यहाँ पर रेड कलर कर ब्लू कलर कर देते हैं। ब्लू कलर अच्छा नहीं लग रहा है, चलिए हम इसको रेड कलर कर देते हैं। तो रेड कलर कर दी, यहाँ पे लग रहा है परफेक्ट। तो आपको जो भी कलर पसंद हो आप अपने हिसाब से अपना कलर कर लें। देखिए फ्रेंड्स एनिमेशन हो गया पर तीनों साथ में चल रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करेंगे इसको। जो आंसर है उसको होल्ड करेंगे, थोड़ा सा पीछे कर देंगे कि थोड़ा देर में आए, एक साथ ना आए। अब देखिए फिर से मैं इसको प्ले करती हूँ, देखिए एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप एनिमेशन कर दिए हैं। अब जहाँ से वीडियो में क्वेश्चन आंसर ख़त्म होगा यहाँ पे हम डालेंगे एक टाइमर। टाइमर के लिए मैंने टाइमर ले लिया है, आपको YouTube पर आराम से मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता तो आप मुझे DM कर दें। यहाँ क्रोमा की पे जाऊँगी, इसका बैकग्राउंड यहाँ से कर दूँगी रिमूव। रिमूव करने के बाद यहाँ पर हम इसको होल्ड करेंगे और एडजस्ट कर देंगे, यहाँ पर छोटा करेंगे यहाँ से और यहाँ पर ला करके रख देंगे। देखिए अभी हमारा जब क्वेश्चन ख़त्म होगा, आंसर ख़त्म होगा, टाइमर चलना चालू हो जाएगा। अब इसके बाद हमको देना है इसका आंसर। तो आंसर के लिए हम गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जा करके वहाँ पर आंसर देख लेंगे क्या है। आंसर देखने के साथ साथ सर आंसर देखने के साथ साथ फ्रेंड हम दूसरा क्वेश्चन भी कॉपी कर लेंगे, इससे भी हमारी टाइमिंग बचेगी। छोटे छोटे टिप्स मैं आपको दूंगी जिससे आपकी वीडियो बहुत जल्दी बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पर अब इसको पेस्ट
कॉपी कर लेते हैं, फिर से चलते हैं अपने काइन मास्टर पे। यहाँ पर लेयर पे जाएंगे, यहाँ पेंसिल पे जाएंगे। पेंसिल पे जाने के बाद आप फर्स्ट टाइम पे देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा ऑप्शन होगा या फिर ऐसा ऑप्शन होगा, हमको बॉक्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो मैं बॉक्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर ली। यहाँ से आप साइजिंग भी देख सकते हैं, आपको जो भी मोटा पतला करना हो आप हिसाब से कर लें। और अभी मेरा आंसर रेड है तो मैं इसको रखूँगी ग्रीन कलर का, रेड अच्छा नहीं लगेगा तो मैं यहाँ से ग्रीन कर देती हूँ। ग्रीन करने के बाद अब इसको ड्रॉ करूँगी, जो क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसके लिए हम फिर से इन एनिमेशन पे जाएंगे, दूसरे नंबर पे ड्रॉ स्टॉक पर क्लिक करेंगे, इसकी भी साइजिंग बढ़ा देंगे। तो देखिए हमारी साइजिंग बढ़ गई, कितना अच्छा से अभी हमारा हो रहा है। अभी हमको यहाँ से जहाँ से टेक्स्ट है उसको टाइमर के हिसाब से बड़ा कर देना है, खींच के इसको भी कर देंगे। अभी परफेक्ट हो गया, देखिए यहाँ से हमारा टाइमर ख़त्म हुआ और यहाँ से हमारा आंसर देना शुरू हो गया। अब यहाँ से छोटा कर देंगे क्योंकि आंसर देने में बहुत टाइम नहीं लगने वाला। तो यहाँ पर मैंने कर दिया टिक, ओके। अब फ्रेंड्स मैं आपको दूसरा टिप्स बताना चाहती हूँ कि देखिए जो भी हमारा क्वेश्चन आंसर मैंने लिखा है इसको, इस क्लिप को भी पकड़ के वीडियो के लास्ट तक कर देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप जो भी एनिमेशन किए हैं आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, एक बार आपने कर दिया तो सारे क्वेश्चन आंसर में वही एनिमेशन चलते रहेगा। इससे आपके टाइमिंग बहुत बचेंगे और आप जल्द से जल्द वीडियो बना लेंगे। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्लिप को सेलेक्ट करेंगे, कैंची पे जाएंगे, सीजर पे, और तीसरे वाले ऑप्शन पर ट्रिम कर देंगे, मतलब दो पार्ट कर देंगे। अब फिर से हम दूसरे क्वेश्चन आंसर को ले लेंगे, फिर कैंची पे जाएंगे, फिर तीसरे नंबर पर क्लिक करके दो पार्ट कर देंगे। अब देखिए अब हमारा यहाँ भी एनिमेशन चालू हो गया। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि जब मैं यहाँ दूसरा क्वेश्चन डालूँगी तो आपको सही लगेगा। तो इसको भी थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ, साथ में आ रहा है। यहाँ पर मैं आंसर जो आंसर कॉपी की थी यहाँ पर पेस्ट कर दी। अब यहाँ से मैंने क्वेश्चन को कर देना है कट, जैसे हमने पहले किया था, ओके। क्वेश्चन को कट कर दिया, अब यहाँ से पूरा प्रॉपर करेंगे और कट कर देंगे। और अब यहाँ से हम कर देंगे ओके। ओके करने के बाद देखिए हमारा क्वेश्चन आ गया, हमको कोई भी कलर चेंज करना नहीं पड़ा, कोई भी बोल्ड नहीं करना पड़ा, अपने आप ही हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर एक अपना ट्रिक अपनाया था। अब चलेंगे आंसर पर, यहाँ पर आंसर को सेलेक्ट ऑल करेंगे, पेस्ट करेंगे और इसमें जो भी गैप है हम इसको कम कर देंगे, डिलीट कर देंगे गैप को, डिलीट करेंगे, डिलीट करेंगे, इसी तरीके सारे डिलीट गैप को डिलीट कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा आंसर भी आ गया फ्रेंड्स, देखा आपने, जो ए बी सी डी इक्वल पे नहीं है, बहुत ही ख़राब लग रहा है, प्रोफेशनल नहीं लग रहा है। इसको सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए टेक्स्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अभी बीच में है तो हम लास्ट वाले पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देखिए अभी ये सारे ए बी सी डी लाइन पर आ गए हैं, तो अब हम इसको करेंगे यहाँ पे एडजस्ट। तो देखिए अब इसको भी थोड़ा सा खींच करके हम पीछे कर देंगे कि एक ही शायद हमारा स्लाइडर ना चले। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे आप अपने हिसाब से, आप जब वीडियो बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे करना है, ओके। मैं बस तरीका बताई हूँ तो आप बस तरीक़ों को सीखो और अपने खुद से काम करेंगे फ्रेंड्स तो आपको पता चलेगा। यदि नहीं पता चल रहा है तो आप इस वीडियो को एक से दो बार ज़रूर देख लें। अब सपोज़ मेरा यहाँ क्वेश्चन ख़त्म हो गया, अब मैं फिर से टाइम बचाऊँगी, अपने टाइमर को कर दूँगी डुप्लीकेट। यहाँ से मैंने टाइमर लिया, जहाँ पे हमारा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ख़त्म होगा आंसर वहाँ पर लगा देंगे, टाइमर चलेगा। अब इसके बाद हमको आंसर देना है तो अब चलेंगे गूगल पे, यहाँ पर जाएंगे, इसका आंसर लेंगे और साथ में तीसरा क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे। तो आंसर पे क्लिक करेंगे, अब आंसर देख लिया ए है। अब यहाँ से हम तीसरा क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद चलेंगे फिर से काइन मास्टर पे। आप जो भी सॉफ्टवेयर जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं एडिटिंग के लिए उस पर कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर मैंने एनिमेशन को कॉपी किया, यहाँ से डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करके यहाँ पर ला दिया जहाँ से टाइमर है ख़त्म हो रहा है, जहाँ टाइमर ख़त्म होगा वहाँ पर ही हमको ये एनिमेशन लगाना है।
यहाँ लग गया परफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे, हाँ इसको थोड़ा सा और आगे कर देंगे, मस्त अच्छा हो गया। अब हम इसको देखिए अभी थोड़ा सा इसको ऊपर करके एडजस्ट कर लेंगे, छोटा करके इतना, ए परफेक्ट हो गया। अब चलिए हम तीसरे क्वेश्चन को लेते हैं, फिर से वही ट्रिक करेंगे, यहाँ से फिर से हम देखिए वहाँ टाइमर चल रहा है। अब चलिए हम तीसरा क्वेश्चन को यहाँ पर लगाते हैं, इसके करने के लिए फिर से हम यहाँ पर रुकेंगे और यहाँ पर कैंची से काट देंगे, दो पार्ट कर देंगे, फिर से सेलेक्ट करेंगे, सीजर पे जाएंगे, तीसरे वाले ऑप्शन पर कर देंगे, इसको भी सेलेक्ट करेंगे, इसको भी सेलेक्ट करेंगे और इसको भी कट कर देंगे। अब यहाँ से हम अपने क्वेश्चन को आंसर को कर देंगे पेस्ट। तो यहाँ पर हम अपने पहले क्वेश्चन को सेलेक्ट ऑल करके पेस्ट कर देते हैं, यहाँ से सारे क्वेश्चन को कर देते हैं कट। फ्रेंड्स देखिए अब मेरी वीडियो बन गई है, अब देखिए मैं आपको प्ले करके दिखा देती हूँ कैसे काम कर रहा है। अब इस वीडियो का सारा काम हो गया है, वीडियो बनने के बाद अभी मेन काम बचा है, इसमें हमने अभी तक आवाज़ नहीं डाला है, तो चलिए अब हम इस वीडियो में आवाज़ डाल के देख लेते हैं। फ्रेंड्स अभी हमारी एजुकेशनल वीडियो रेडी हो गई है, पर इसमें एक काम बाकी है, वो है आवाज़। हमने अभी इस वीडियो में आवाज़ नहीं डाली है, तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि आवाज़ कैसे डालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कंप्यूटर वाला आवाज़ कैसे डाल सकते हैं, तो यहाँ मैं खुद का आवाज़ डालूंगी। तो आप कोशिश करें कि अपनी खुद की आवाज़ डालें, यदि बहुत शोर शराबा हो रहा है तो आप कंप्यूटर वाला आवाज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस माइक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद स्टार्ट आ गया, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते ही हमारी रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाती हूँ कि कैसे करेंगे। स्टार्ट 10 जीके क्वेश्चन आंसर। एक, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ए, दैनिक गति के कारण। बी, वार्षिक गति के कारण। सी, छमाही गति के कारण। डी, तिमाही गति के कारण। अब हमारा टाइमर चलने लगा है। आंसर है दैनिक गति के कारण। दो, सबसे बड़ा ग्रह है। ए, बृहस्पति। बी, पृथ्वी। सी, यूरेशन। सी, डी, शुक्र। फ्रेंड्स अभी मैंने वीडियो यहाँ रोक दिया है, यदि आपका जैसे मैंने अभी बी की डी की जगह बी बोल दिया था तो क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं आपको बताती हूँ। डी शुक्र, देखो मैंने यहाँ कुछ मिस्टेक किया था, ठीक है अभी देखें। डी तो हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको कर देंगे कट। कट करने के लिए हम ट्रिम पे जाएंगे, आगे वाला ऊपर वाला लेफ्ट प्लेहेड पे क्लिक करेंगे। अब हमारा ये देखिए हो गया, अब यहाँ से उठाएंगे इसको, यहाँ से अच्छे से यहाँ सेट कर देंगे। फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, देखिए आप। सी शुक्र, सी यूरेशन। सी यहाँ से बचा, यहाँ से हमने बोला है, इसको कट कर दूंगी। अब देखिए अब एकदम परफेक्ट आएगा हमारी वॉइस। यूरेशन डी शुक्र। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से यदि आपको कोई मिस्टेक हो जाए, आपने गलत वर्ड बोल दिया है, तो कोई बात नहीं, आप वहाँ से कट करके फिर से आगे बढ़ सकते हैं। जब पूरी हो जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है, एरो पे क्लिक करेंगे और अपने वीडियो को कर देंगे एक्सपोर्ट। अब हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट होने के बाद फ्रेंड्स आप इसे अपने यूट्यूब चैनल पर डाल सकते हैं। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फैमिली।